यूएनएससी में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता, एलन मस्क के समर्थन के बाद अब अमेरिका ने भी दी प्रतिक्रिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की कमी के बारे में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान के बारे में पूछे जाने पर वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है और सचिव ने भी इस ओर इशारा किया है। हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं को प्रतिबिंबित किया जा सके। वे कदम क्या हैं इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं, सुधार की आवश्यकता है। भारत को यूएनएससी में सीट न मिलना बेतुका, मस्क। जनवरी में एलन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक्स वाई पोस्ट में मस्क ने कहा कि कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है। समस्या यह है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है। अफ्रीका को सामूहिक रूप से आईएमओ की एक स्थायी सीट भी मिलनी चाहिए। भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से देश की खोज को गति मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी 15 सदस्य देशों से बनी है जिसमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य और 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों को यूएनजीए द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भाजपा ने संकल्प पत्र में किया यूएनएससी सीट का जिक्र। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र नाम से अपने चुनावी घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करने की कसम खाई है। 14 अप्रैल को जारी अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा कि हम वैश्विक निर्णय लेने में भारत की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बढ़ते वैश्विक समर्थन पर जोर दिया था और कहा था कि कभी कभी चीजें उदारता से नहीं दी जाती हैं और किसी को उन्हें जब्त करना पड़ता है।